पक्षों के विवाद में एक की मौत, शव सड़क पर रखकर परिजनों ने किया हंगामा। रामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में राजनीतिक विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक पक्ष के सदीक अहमद भी बुरी तरह से घायल हुए थे। ये घटना 24 सितंबर की है। इस विवाद में सदीक अहमद की ओर से थाना टांडा में एक NCR दर्ज हुई थी, जिसमें 4 लोगों को नाम दर्ज किया गया था। आज गंभीर रूप से घायल सदीक अहमद की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर पूरा रास्ता जाम कर दिया। मृतक के परिजनों की मांग थी कि चौक के इंचार्ज और थाना टांडा कोतवाल को बर्खास्त किया जाए। इन लोगों की मिलीभगत से सदीक अहमद की मृत्यु हुई है। काफी देर परिजनों ने हंगामा काटा, उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों के पुलिस वहां पहुंची और परिजनों को समझाया कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस आश्वासन पर ही परिजनों ने सबको सड़क से हटाया। पापा की डेथ हो चुकी है, दो बेटे मेरे 4 जख्मी पड़े हैं, एक मेरा भाई जख्मी पड़ा है। ये 30-40 लोग मेरे घर में आए थे, घर में आने के बाद में धावा बोल के सब में मार के चले गए। किस बात को लेकर ये आपका नहीं, बस खाली एक उसकी रंजिश थी कि बहुत की थी, आज आप इधर थे और आज इधर पैसा हुए, बस ये था कोई रंजिश। दूसरी बात ये हम कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो आप वो सरमायादार है, पैसे वाला है, रसूखदार आदमी। जैसे आप यहाँ पे डेड बॉडी रखी, आप क्या मांग करना चाहते हैं? आते हैं कि दोनों की उनके अधिकारियों की निलंबित करेंगे और जितने भी ये हमारे मुंजी हैं ये गिरफ्तार होंगे, और जो हमारे भाई को जेल भेजे गए वो बाबा साहब से जेल भेजे गए। कब से डेड बॉडी रखी है यहाँ? 11 बजे। जब तो पुलिस प्रशासन क्या आपके सहयोग कर रहा है, क्या मांग कर रही है पुलिस प्रशासन की? क्या माने, क्या माने, वही कराने वाले हैं उनकी मानेंगे। कोई ऐसा अधिकारी दुआ जो कम से कम फैसला ले सके, तो अभी तक जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा, तब तक आप डेड तक नहीं आएगा, हम यहीं बैठे हैं। 2-4 दिन भी लगेंगे तब भी चले, तब भी चले। जानना चाहेंगे सर, ये टांडा थाने का लालपुर गांव है, परसों यहाँ दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके आधार पर थाना टांडा में NCR पंजीकृत। मृतक व्यक्ति सद्दीक की चोटों के आधार पर फिर सद्दीक को 24 वेल्डर किया गया और कल जब उनकी मृत्यु हो गई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल शाम को प्राप्त हुई है, उसके आधार पर उसे 3-4 वेल्डर किया गया। परिजनों का कहना है कि शरीर 302 होना चाहिए। हमने उन लोगों को आश्वस्त कर दिया है कि पूरी विवेचना ही यहाँ से हटा करके क्राइम ब्रांच के माध्यम से कराई जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन जो कि 304 है वैसे भी सीनियर लेवल पे भी किया जाता है, तो अध्ययन करके और उसमें 302 है तो 302 की बढ़ोतरी में भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी, और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। एक तहरीर इन लोगों ने दिया है कि चूँकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, वो तहरीर भी इसी विवेचना का पार्ट होती है, जिसको टांडा की GD में शामिल करा दिया गया है। जो भी टीम हमारी क्राइम ब्रांच की जांच करेगी, तफ्तीश करेगी, उसको कागज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पीड़ित पक्ष उस टीम को, इन्वेस्टिगेशन टीम जो भी अपनी ग्रीवांसेज हैं वो ग्रीवांसेज नोट कराएगा, उसके आधार पर एविडेंस जितने भी मिलेंगे कार्यवाही होगी। मैं क्लियर कर दूँ, कार्यवाही सख्त इस नाते भी होनी कि लालपुर गाँव आगामी पंचायती चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे लिए अति संवेदनशील गांवों में से एक है और किसी भी कीमत पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना ये हमारी विधिक जिम्मेदारी है। इस नाते अभी से नकेल खींची जाएगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो। सर, ये जो आरोपी बताए हैं इन लोगों ने, क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी देखिए ऐसा है कि कल PM रिपोर्ट के आधार पर शाम को केस अल्टर हुआ है जी। उसके बाद से मृतक के परिजनों और उनके स्वजनों में आक्रोश था, जिसको देख करके आपने देखा यहाँ कि हम लोगों को भी आना पड़ा। ये सारी बातें निपट जाने के बाद आप जानते हैं कि विवेचना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि उसके एक एक अक्षर माननीय न्यायालय के समक्ष जाते हैं।